प्रीति रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पम्पकिन फ्राई बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और टेस्टी भी लगती है। तो पम्पकिन फ्राई के लिए हम ले लिए हैं 500 ग्राम कद्दू और इसको हम छिलके निकाल करके धोकर इस तरह से काट लिए हैं। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई में डाल देंगे 3 चम्मच तेल। तो यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया, चाहे तो कोई भी हम कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 5 फ़ोरन और फ़ोरन को चटकने देंगे 6 से 7 सेकेंड तक। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च हम डाल देंगे और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और 1/4 चम्मच यहाँ पे हम हींग डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे हम 1 बड़ा साइज़ का प्याज हम यूज़ किए हैं और प्याज को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज का कलर लाइट ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो प्याज का कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे पेस्ट हम डाल दिए, इसका रॉ स्मेल जाने तक हम इसको भून लेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट 10 से 12 सेकेंड लगेगा भूनने में। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ कद्दू। कद्दू को भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम कद्दू को भून लेंगे। उसके बाद हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और 1/2 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिए हैं। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लेंगे और नमक हम डाल दिए हैं। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले और कद्दू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, कद्दू एकदम पक गया है, सब्जी बन करके तैयार हो गया है। लेकिन इसमें हम 1/2 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर हम यूज़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके। कसूरी मेथी पसंद है तो डाले, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। इसको मिक्स करके कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद देखिए पम्पकिन फ्राई बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ फ्रेश धनिया का पत्ता और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, पम्पकिन फ्राई अब रेडी है। तो गैस ऑफ करते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो हम इसको पूरी, रोटी, पराठा या चावल के साथ किसी के साथ भी सर्व करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत इजी सी रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब पम्पकिन फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।